हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लक्ष्य स्टूडियोज। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पेन टूल और उसका ग्रुप। सो लेट्स बिगिन। पेन टूल इलस्ट्रेटर में यूज होने वाली, बहुत ज़्यादा यूज होने वाली टूल्स में से एक है, जैसे कि सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। सिमिलरली पेन टूल का यूज़ भी बहुत जगह पे होगा, क्योंकि पेन टूल का यूज़ करके हम कई सारी न्यू शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं फिल कलर ऑफ कर देता हूँ और आउटलाइन कलर यहाँ पे ब्लैक रख देता हूँ। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, तो ये शेप क्रिएट होता जाएगा। और अगर हम क्लिक करके लेफ्ट माउस क्लिक अगर ड्रैग करेंगे तो इसको कर्व भी मिलेगा कुछ इस तरह से। और अगर हमें वापस से नॉर्मल पॉइंट चाहिए तो हमें वापस प्रीवियस जो नोड है, एंकर पॉइंट है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो वापस स्ट्रेट लाइन आएगी। अदरवाइज अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो नेक्स्ट पॉइंट भी, जैसा आप देख सकते हैं एंकर पॉइंट, तो वो भी कर्व आता है। तो अगर हमें नॉर्मल चाहिए, ज़्यादा कंट्रोल अगर हमें चाहिए, तो प्रीवियस पॉइंट या एंकर पॉइंट पे क्लिक कीजिए, तो ये जैसे मीन पोजीशन में था वैसे ये वापस हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन आ गई और ड्रैग करने के बाद ये कर्व आ जाएगा। ये देखिए कर्व, वापस यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये ज़्यादा कंट्रोल हमें मिलेगा। जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम ये लूप कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पे ये पेन टूल के नीचे, पेन टूल का जो आइकन है उसके नीचे यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल आ जाएगा, मतलब ये हमारा लूप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये फिनिश हो जाएगा। तो इससे हम कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये क्रिएट होने के बाद इसको एडिट करने के लिए और भी टूल्स हैं, जैसे कि ऐड एंकर पॉइंट्स। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे कुछ एंकर पॉइंट्स हमने क्रिएट कर लिए हैं, तो एक्स्ट्रा अगर हमें एंकर पॉइंट चाहिए तो यहाँ पे प्लस मार्क आ जाएगा, तो ये ऐड एंकर पॉइंट। तो जितने चाहें उतने एंकर पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे। तो ये ऐड, और इसका टोटली ऑपोजिट है डिलीट एंकर पॉइंट्स। इनकी शॉर्टकट की बहुत ही ईजी है, कीबोर्ड पे प्लस मतलब ऐड एंकर पॉइंट, और माइनस अगर आपने किया तो डिलीट एंकर पॉइंट, रिमूव एंकर पॉइंट। तो ये देखिए यहाँ पे ये रिमूव हो जाएंगे कुछ इस तरह से, और ऐड किया तो प्लस, तो ऐड हो जाएंगे, ये माइनस रिमूव। ये लास्ट ऑप्शन है एंकर पॉइंट टूल। तो एंकर पॉइंट टूल से क्या होगा, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो एंकर पॉइंट है ये ऑलरेडी कर्व्ड है, तो इसको अगर मैं सिर्फ क्लिक करूँगा तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये देखिए क्लिक करने के बाद ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है एंकर पॉइंट, उस पॉइंट पे सिर्फ क्लिक ना किए, उसको क्लिक एंड ड्रैग अगर मैं करूँगा तो ये कर्व्ड बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये राउंड बन जाएगा। ये अगर क्लिक एंड ड्रैग, ये देखिए राउंड, और सिर्फ क्लिक करने के बाद ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्लिक एंड ड्रैग और ये क्लिक। तो इन सारे टूल्स का यूज़ करके हम बहुत सारे न्यू शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पेन टूल में सबसे ज़रूरी बात क्या है, हमारी जो हैंडलिंग है पेन टूल की हैंडलिंग वो अच्छी होनी चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो इसके लिए हमें बहुत सारी ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हमारा कंट्रोल आएगा पेन टूल के ऊपर। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम, प्लेस फाइल प्लेस। तो कुछ एक सिंपल लोगों हम यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको ट्रेस करने की। याद रखिए जितना आप ट्रेस करेंगे उतना आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, ज़्यादा कंट्रोल आएगा और सेंस आता जाएगा कि शेप्स क्रिएट कैसे करते हैं, एंकर पॉइंट्स ऐड कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, पूरा आपको सेंस आता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया एप्पल का लोगो, तो यहाँ पे हम इसको पेन टूल का यूज़ करके ट्रेस करते हैं। पेन टूल की शॉर्टकट की पी है, तो अगर आपको शॉर्टकट कीज याद रही तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका काम और थोड़ा फास्ट होगा। तो यहाँ पे मैं ये फील कलर ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पे ये आप दोनों तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक एंड ड्रैग करके आप कर्व का यूज़ करके भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये मैं यहाँ पे रफ सिलेक्शन करने वाला हूँ, और देखिए वापस प्रीवियस एंकर पॉइंट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे ये
कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको रफ सिलेक्शन करना है, फास्ट सिलेक्शन करना है और कंप्लीट सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद इसको एडिट करना है, वो भी आप कर सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइनर्स की अलग अलग टेक्निक होती है, लेकिन एंड रिजल्ट मैटर करेगा। यहाँ पे ये देखिए, मैं यहाँ पे पूरा स्ट्रेट लाइन से सिलेक्शन कर रहा हूँ, और ये अगर अपने को समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कलर हम चेंज कर देते हैं और इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, वेट, और ये यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस का यूज़ करके ऐड एंकर पॉइंट। तो यहाँ पे मैं एंकर पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ, ये देखिए एंकर पॉइंट्स हमने ये ऐड कर दिए। और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करके भी हम यहाँ पे एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए पहले, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पैनल या ऑब्जेक्ट बार है, यहाँ पे सेम अगर आपको स्ट्रेट लाइन का कर्व करना या कर्व का स्ट्रेट लाइन करना है एंकर पॉइंट को, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे अभी क्या चाहिए, एंकर पॉइंट को स्मूथ करना है। तो ये देखिए स्मूथ हो गया, इसे कहते हैं स्मूथ या कर्व। तो ये स्मूथ बन गया, और ये जो हैंडल्स हैं इनका यूज़ करके मैं और अगर हमें एडजस्टमेंट्स करनी है तो एडजस्टमेंट्स कर सकती है। तो यहाँ पे मैं अंडू कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्लिक, ये मैंने स्मूथ कर दिया या कर्व, और ये वापस यहाँ पे स्मूथ हो गया। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये क्लिक स्मूथ, ये यहाँ पे थोड़ी और एडजस्टमेंट करनी है। तो ये देखिए ये हैंडल्स को ड्रैग करके हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। यहाँ पे वापस क्लिक, और अगर आपको कोई पॉइंट रिमूव करना है तो माइनस डिलीट एंकर पॉइंट, और ये आप डिलीट भी कर सकते हैं, और इसमें वापस एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। ये देखिए हैंडल्स का यूज करके, जितने एंकर पॉइंट्स कम होंगे उतना स्मूथनेस ज़्यादा आएगा, ये आप याद रखिए। ये प्रैक्टिस करके आपको आदत हो जाएगी, तो इसीलिए हमें ट्रेसिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी अगर हम इमेज सिलेक्ट करें तो यहाँ पे ऑलरेडी इमेज ट्रेस का ऑप्शन है, जो कि अगर सिंगल कलर या डबल कलर, कम कलर अगर हैं तो ये बहुत आसानी से ऑटोमेटिकली ट्रेस हो जाती है। तो फिर इतनी मेहनत करके हमें ट्रेस क्यों करना है? तो याद रखिए ये प्रैक्टिस के लिए करना है। अगर हमें नए शेप्स क्रिएट करने हैं तो सबसे पहले हमें इसका सेंस आना चाहिए, पेन टूल का सेंस आने के लिए हम ये ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट, ये देखिए ऐड या प्लस का यूज कर सकते हैं, और अगर आपने ए प्रेस किया तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये देखिए इसको अंडू, स्मूथ, जो अननेसेसरी आपको लग रहे हैं माइनस। तो कुछ इस तरह से ये हमने इसको ट्रेस कर दिया। तो इससे भी अच्छा ये ट्रेसिंग हो सकता है, लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा ये रफ सिलेक्शन कर दिया। तो ये ट्रेसिंग जितना आप करेंगे उतना आपको सेंस ज़्यादा आता जाएगा। तो ये था पेन टूल और उसका ग्रुप, उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू एंड आई सी यू।